राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खुश, सुखी और प्रसन्न हैं दोस्तों? खुश, सुखी और प्रसन्न रहिए, ये जिंदगी है। और जिंदगी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती तो हैं और चली भी जाती हैं, तो इसलिए इन समस्याओं के कारण परेशान होकर जिंदगी को जीना मत छोड़िए दोस्तों। ये जो हमारी जिंदगी है, इसमें कई बार ऐसे पल आते हैं हमारे सामने, बे इंतहा मेहनत करते चले जा रहे हैं पर उसका फल ही नहीं मिल रहा है। हमारी मेहनत का फल कोई और लेकर चला जा रहा है। कई बार ऐसा आता है कि हमारे सामने ऐसी ऐसी रुकावटें आने लगती हैं जो हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके की रुकावटें हमारे सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लाख चाहने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इसके लिए नेचर की तरफ से हमें एक वरदान मिला हुआ है। और वो जो वरदान है, उसका नाम है नाग केसर का पौधा। ये जो नाग केसर का पौधा होता है, इसका पीला रंग का फूल होता है और ये पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। आप इसको घर में गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ फल दायक होता है, बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है ये पौधा। ये पौधा वो है जो हमारी दरिद्री को दूर करता है। हमारे घर में जो भी आर्थिक प्रॉब्लम आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला पौधा है ये नाग केसर का पौधा। परिवार के लोगों के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को भी ये पौधा प्रेम पूर्वक व्यवहार में बदल देता है। जो ये नाग केसर का प्लांट होता है, ये धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत शीघ्र प्रसन्न कर देता है। बहुत शीघ्र लक्ष्मी जी इस प्लांट से प्रसन्न हो जाती हैं। ये बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली है। इस पौधे को मैं आपको इसके कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ। तो इस पौधे को आप इतना पवित्र और प्रभावशाली कि आप जहाँ कहीं भी इसको लगाते हैं तो इसका तुरंत असर होता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके प्रयोग को केवल पूजा में ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी इसको प्रयोग किया जाता है। केवल आर्थिक तंगी को ही दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेहत को भी सही करने के लिए इस प्लांट के फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है। आपके करियर में या आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सोमवार के दिन नाग केसर का फूल लेकर आइए और 5 बेलपत्र के साथ उसको ले जाकर और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपका बिजनेस फ्लरिश करने लगेगा और आपकी जॉब में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लग जाएंगी। यदि परिवार की कलह क्लेश खत्म ही नहीं होने को आ रही है, बहुत कोशिश कर ली पर परिवार में जो कलह क्लेश चल रहा है वो बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसा कीजिए, नाग केसर का एक फूल लेकर आइए और आपके घर में ही कहीं छुपा कर उसको रख दीजिए, जिससे किसी की उसके ऊपर नज़र ना पड़े। ऐसा करने से घर के अंदर जो कलह क्लेश है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। नाग केसर के 5 फूल लेकर उनको यदि आप पीले रंग के कपड़े में लपेट कर और अपने धन स्थान पर रख देते हैं, अच्छा मुहूर्त देखकर, अच्छा चौघड़िया देखकर आप अपने धन स्थान पर उसको रख देते हैं, तो आपके आर्थिक उन्नति होती ही चली जाएगी, आपके धन में वृद्धि होती ही चली जाएगी। धन की वृद्धि और भी यदि करना चाहते हैं तो नाग केसर के फूल लाइए, आप चांदी की छोटी सी डिब्बी में रखिए और वो डिब्बी ले जाकर धन स्थान पर रख दीजिए, वो भी धन को आकर्षित करती है। इसके अलावा शिवलिंग पर यदि नाग केसर का फूल चढ़ाया जाता है, तो आपके जो ऊपर आपके सिर पर कोई कर्ज चढ़ रखा है, EMI पर आपने जो सामान ले रखा है, वो भी तो कर्ज ही होता है दोस्तों, तो वो जो कोई कर्ज वगैरह चढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए नाग केसर का पौधा दिखने में तो बहुत छोटा है पर बातें, उपाय, समस्याएं बड़ी बड़ी दूर करता है।
ओके फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।